आप जब एक बार आएँ तो आप महसूस करें, क्योंकि वहाँ जब तक आपने कुछ चीज़ महसूस नहीं करी तो आपने कुछ नहीं किया। तो वहाँ पर आके ज़रूर से महसूस करें, और वही है कि कोई शब्द नहीं है इसके बाद तो, क्योंकि माता रानी ने इतनी मेहर करी। जय माता दी सभी। जय माता दी। नए नज़ारे के साथ एक और नई प्यारी सी वीडियो में एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा YouTube चैनल एज वेल एज Facebook पेज ट्रेन राइडर। इस वीडियो में हम आपको श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा में आने वाले हर पड़ाव के नए दर्शन कराने के साथ साथ माँ भगवती की यात्रा से संबंधित इस समय की सही नई जानकारी आप सभी से साझा करने वाले हैं। जैसे इस समय मौसम कैसा है, सुविधाएं कैसे मिल रही है, यात्रा अपडेट क्या है, वेबसाइट पर बुकिंग की क्या अपडेट है, ये तमाम प्रकार की जानकारी इस वीडियो में आपसे साझा करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखने के साथ साथ पूरा ध्यान से सुनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिएगा। वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं हम श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन से, और यहाँ का सुंदर नज़ारा आपके स्क्रीन पर है। सुबह सुबह का ये नज़ारा है जहाँ पर आप देख रहे हैं कि कटरा रेलवे स्टेशन पर हल्की हल्की बारिश देखने को मिली है। और जैसे ही हमारा कदम कटरा रेलवे स्टेशन पर पड़ता है ना, हमें सबसे पहले माँ भगवती के त्रिकुट पर्वत के दर्शन होते हैं और मन में ही जिज्ञासा होता है कि जल्दी से जल्दी हम माता रानी के दर्शन के लिए आगे बढ़ जाएं। वहीं माता रानी का नाम लेकर हम पहुंच चुके हैं माँ भगवती की यात्रा में आने वाले पहले पड़ाव, जिसे हम यात्रा गेट कहते हैं, और हमारी यात्रा की शुरुआत यहीं से होती है। काफ़ी श्रद्धालु जो है वो अपनी यात्रा की शुरुआत यहाँ से करते हैं, और श्रद्धालु अपने यात्रा को समाप्त भी इसी गेट पर आकर करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आपको भक्तों के लिए रेनकोट मिल जा रहा है, तो आप यहाँ से रेनकोट भी ले सकते हैं। रेनकोट का ऑलमोस्ट जो कॉस्ट होता है वो 100 रुपया पर रेनकोट होता है। अभी हम आ चुके हैं माता रानी की यात्रा में आने वाले एक और पड़ाव पर, जिसे हम माँ भगवती का पवित्र पावन बाणगंगा, साथ ही साथ बाल गंगा भी कहते हैं। घर बैठे आप सब दर्शन करिए और कॉमेंट बॉक्स में जाकर जय माता दी जरूर लिखिएगा। इसके साथ साथ अपने जाने की डेट भी हम तक साझा करिएगा। माँ भगवती का नाम लेकर हम आ चुके हैं माता रानी की यात्रा में आने वाले एक और पड़ाव पर, जिसे हम श्री चरण पादुका मंदिर के नाम से जानते हैं, और बाहर से आप सब दर्शन भी कर रहे होंगे तो जयकारा जरूर लगाइएगा। माता रानी का नाम लेकर हम पहुंच चुके हैं माता रानी की यात्रा में आने वाले एक और पड़ाव पर, जिसे हम श्री अर्धकुआरी मंदिर, साथ ही साथ गरुजून गुफा कहते हैं। यहाँ पर भक्त जो है वो गुफा से जाकर माता रानी के दर्शन करते हैं, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अगर बात कर ली जाए यहाँ पर वेटिंग समय की, तो इस समय ऑलमोस्ट यहाँ पर लगभग जो है 15 से 20 घंटे का वेटिंग समय चल रहा है। वेटिंग समय डिपेंड करता है श्रद्धालु की संख्या के ऊपर। संख्या लगभग जो है इस समय 20 से 25,000 के आसपास में चल रहा है। जैसे ही संख्या डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, वेटिंग समय वैसे ही इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है। तो कोई कंफर्म नहीं होता है कि इस समय अगर 25 से 20 घंटे का वेटिंग चल रहा है तो आने वाले समय में भी यही वेटिंग समय हो। वेटिंग समय बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। माँ भगवती का नाम लेकर हम माता रानी की यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं और पहुँच चुके हैं हिमकोटी मार्ग पर, जिसका सुंदर नज़ारा आपके स्क्रीन पर है। घर बैठे आप सभी माता रानी के भक्त माता रानी के हिमकोटी मार्ग से दर्शन कर रहे हैं। आप सब तो जानते हैं ये मार्ग काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है माँ भगवती की यात्रा के लिए। आप जैसे ही अर्धकुआरी पहुँचते हैं वहाँ से दो मार्ग डाइवर्ट होता है। एक मार्ग होता है जो हाथी मत्था सांझी छत होते हुए हमें भवन ले जाता है, और दूसरा मार्ग होता है ये जिसे हम बोलते हैं हिमकोटी मार्ग। काफ़ी आसानी से इस मार्ग से होते हुए हम जगत जननी जगदम्बा माँ वैष्णो देवी जी के भवन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। और जैसे ही इस मार्ग से आगे बढ़ते हैं आपको मिल जाता है ये सुंदर नज़ारा, जहाँ पर माँ भगवती के सबसे पहले भवन के दीदार होते हैं, माता रानी के दर्शन होते हैं। जो भवन के दर्शन आप सब घर बैठे कर रहे हैं बहुत ही भाग्यशाली हैं, बहुत ही किस्मत वाले हैं जो आप सब घर बैठे ये स्वर्ग के दर्शन कर रहे हैं। माँ भगवती का भवन आपके स्क्रीन पर है, भैरव घाटी से लिया गया ये फुटेज है जहाँ पर आप माता रानी के भवन के दर्शन कर रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स में जाकर जय माता दी के साथ अपने जाने की डेट हम तक जरूर से साझा करिएगा। माँ भगवती का दर्शन करने के बाद अब आप सब भैरव घाटी से भैरव मंदिर के बाहर से दर्शन कर रहे हैं, और अब आपकी यात्रा यहाँ पर संपन्न होती है, क्योंकि माता रानी ने भैरव जी को ऐसा आशीर्वाद दिया था कि जो भी श्रद्धालु मेरे दर्शन करने के बाद तुम्हारे दर्शन करेगा तभी उसकी यात्रा संपन्न मानी जाएगी, संपूर्ण मानी जाएगी। तो आपने भैरव बाबा जी के भी दर्शन कर लिया और अब आपकी यात्रा यहाँ पर संपन्न होती है। शुरू करते हैं अब जानकारियों का सिलसिला, और सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। देखिए अगर बात की जाए इस समय के मौसम की, तो मौसम इस समय जो है वो चेंज हो रहा है। बारिश भी हो जा रही है, धूप भी निकल रहा है, बादल भी आ रहे हैं। तो आप अगर माता रानी की यात्रा पर जा रहे हैं, गर्म कपड़ा, रेनकोट और अम्ब्रेला अपने साथ रख लीजिएगा।
वहीं अगर आगे की बात करें और गूगल वेदर रिपोर्ट की बात करें तो 24 तारीख तक यानी संडे तक आपको जो है बारिश देखने को मिल सकता है। उसके बाद एक हफ्ते तक पूरा वेदर जो है वो क्लियर रहने वाला है, आपको धूप ही देखने को मिलेगा और नॉर्मल ही वेदर रहेगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि माँ भगवती का दरबार पहाड़ों पर है तो वहाँ मौसम बदलता रहता है, इसलिए कोई कंफर्म जानकारी आपसे साझा करना ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आप पूरे सेफ्टी मेजर्स के साथ जाइए, अपने साथ मेडिसिन भी रख लीजिएगा, अम्ब्रेला भी रख लीजिएगा, रेनकोट भी रख लीजिएगा और गर्म कपड़ा भी रख लीजिएगा, क्योंकि आपको भवन में ठंड महसूस होगा। कटरा में तो आपको ठंड नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही आप भवन पहुंचेंगे वहां पे आपको ठंड महसूस होने लगेगा। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं RFID कार्ड यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड की, जो कि काफ़ी ज़रूरी होता है यात्रा के लिए, बिना उसके आप यात्रा नहीं कर सकते। और काफ़ी श्रद्धालु मुझे कंटिन्यू मैसेज कर रहे हैं, इवन कॉमेंट भी कर रहे हैं कि हम RFID कार्ड के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं मोबाइल एप्लीकेशन से। तो हो सकता है कि मोबाइल एप्लीकेशन में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा हो, क्योंकि अभी नया वेबसाइट अपडेट हो रहा है तो हो सकता है कि एप्लीकेशन में कोई इशू हो। लेकिन नए वेबसाइट पर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं RFID कार्ड के लिए, तो आप जाइए नए वेबसाइट पर और वहाँ विजिट करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लीजिए RFID कार्ड के लिए। हमने सेपरेट वीडियो भी बनाया, आप चाहें तो चैनल पर जाके वीडियो को देख के उस माध्यम से भी अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन RFID कार्ड के लिए कर सकते हैं, ताकि आपका रजिस्ट्रेशन अगर ऑनलाइन हो तो आपको ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। वैसे अगर आप ऑनलाइन नहीं भी करा के जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कटरा में जितने भी रजिस्ट्रेशन काउंटर है वहाँ आपको जाना है, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपना पिन कोड बताना है और आपको बहुत ही आसानी से RFID कार्ड मिल जाएगा, आपको दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, आपके साथ जितने भी फैमिली मेम्बर हैं सबको लाइन में लगना पड़ेगा, क्योंकि उनका फ़ोटो कैप्चर होता है, इसीलिए सबको लाइन में लग के एक एक करके RFID कार्ड लेना पड़ेगा। ऐसे कोई भी श्रद्धालु हैं जो 5 साल से ऊपर हैं, उन्हें RFID कार्ड लेना कंपल्सरी है, ज़रूरी है। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सुविधाओं की यानी सर्विसेज की। देखिए, माता रानी की अनुकम कृपा से इस समय सुविधाएं तो सभी प्रकार से मिल जाती हैं, चाहे घोड़ा पिट्टू पालकी हो, रोप वे हो, हेलीकॉप्टर हो, बैटरी कार हो। लेकिन जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हेलीकॉप्टर टोटल मौसम के ऊपर डिपेंड करता है, अगर मौसम ज़रा सा भी ख़राब होता है, बादल आ जाते हैं या बारिश होने लगती है, हेलीकॉप्टर तुरंत बंद हो जाता है। लेकिन अगर मौसम ज़रा सा खुल जाता है या साफ़ हो जाता है तो तुरंत हेलीकॉप्टर चलने भी लगता है। तो टोटली डिपेंड करता है मौसम के ऊपर। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए, माता रानी का नाम लेकर जाइए, आपकी यात्रा सफल होगी, माता रानी सब अच्छा करेंगी, आपको घबराना नहीं है। और इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि किसी भी कारण से अगर हेलीकॉप्टर श्राइन बोर्ड द्वारा नहीं चलाया जा रहा है या श्राइन बोर्ड द्वारा बैटरी कार नहीं चलाया जा रहा है और आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो आपको काउंटर पर जाकर रिफंड के लिए एक स्टैंप लगवाना पड़ेगा। चाहे आपका बैटरी कार है तो आप दुर्गा भवन में चले जाइए, वहाँ काउंटर है भवन पर, या आप चले जाइए नीचे कटरा में जहाँ हेलीपैड है वहाँ पे आप स्टैंप लगवाइए। अगर बैटरी कार है तो आप पहुँच जाइए अर्धकुंवारी बैटरी कार काउंटर पर, या फिर आप भवन में जो बैटरी कार काउंटर बनाया गया है वहाँ पहुँच जाइए, वहाँ जाके आपको स्टैंप लगवाना पड़ेगा, तभी आपका रिफंड इनिशिएट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि श्राइन बोर्ड द्वारा अगर उसको नहीं चलाया जाएगा तो आपका रिफंड ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको जाके वहाँ पे जो है स्टैंप लगवाना पड़ेगा, तभी आपका पैसा रिफंड होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं रूम्स और डॉर्मेटरी की। देखिए, श्रद्धालु का काफ़ी क्वेरी आ रहा है वेबसाइट के ऊपर, तो मैं आपको फिर से बता दूं कि नया वेबसाइट अभी अपडेट में ही चल रहा है, पुराने वेबसाइट को नए वेबसाइट पर स्विच किया जा रहा है। हो सकता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम, इसलिए आप रूम या डॉर्मेट्री बुक नहीं कर पा रहे, क्योंकि रूम और डॉर्मेट्री की बुकिंग फिलहाल ओल्ड वेबसाइट पे ही हो रही है। इस वजह से हो सकता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो, इसलिए डॉर्मेट्री बुक नहीं हो रहा है। तो आप वेट करिए, एज सून एज पॉसिबल वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, और जैसे ही सॉल्व होगा तो हम आपको वीडियो बनाकर इन्फॉर्म करेंगे। इसके अलावा अटका आरती, बैटरी कार और आपका हेलीकॉप्टर, जो भी बुकिंग्स है वो सब आप नए वेबसाइट से इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फिर से मैं आपको बता दूं कि रोपवे की बुकिंग ऑनलाइन नहीं शुरू हुई है, जैसे ही शुरू होगी मैं आपको सबसे पहले वो जानकारी देने की कोशिश करूंगा। इसलिए आप बार बार ये चीज़ का कमेंट ना करें कि कब होगा कब होगा। अब देखिए, मुझे भी ये पता नहीं है क्योंकि मैं श्राइन बोर्ड का एम्प्लॉय नहीं हूं। तो जैसे ही मुझे पता चलेगा कि हाँ बुकिंग शुरू हो गई है, या मैं वेबसाइट पर देख लूंगा कि हाँ चालू हो गया है, तो मैं आपको वीडियो बनाकर उसी तरह से इन्फॉर्म कर दूंगा। इसके लिए आप चैनल पर पूरी वीडियोस को देखते रहिए, पूरा वीडियो को देखिए और टाइम टू टाइम जो है जो भी अपडेट आपको दिया जा रहा है उसे विजिट करते रहिए। काफ़ी श्रद्धालु ये कहते हैं कि मेरा रूम्स और डॉर्मेट्री बुक नहीं हो रहा है, तो हम फ्री में कहाँ रुक सकते हैं, कैसे रुकें? तो देखिए, सबसे पहला तो यह है कि आप कटरा के निहारिका कॉम्प्लेक्स चले जाइए, जो कि बस स्टैंड के पास है। वहाँ पे आप एक बार पता कर लीजिए, अगर रूम्स और डॉर्मेट्री अवेलेबल होगा तो हो सकता है वो आपको प्रोवाइड कर दें। अगर नहीं होता है तो दुर्गा भवन चले जाइए,
वहाँ पता कर लीजिए। अगर फिर भी आपको नहीं मिलता है तो भवन पर दो बड़े धर्मशाला हैं। पहला ये मनोकामना भवन के जस्ट बगल साइड में मनोकामना भोजनालय है, उसके नीचे आप जाएंगे तो वहाँ पर निःशुल्क धर्मशाला आपको मिल जाएगा, जो कि करीबन रात को मान के चलिए 8 से 9 बजे के आसपास में खुल जाता है। और वहाँ ये है कि पहले आओ पहले पाओ, यानी जितना जल्दी आप पहुँचेंगे उतना जल्दी आपको जगह मिल जाएगा। वैसा ही कुछ केस है दुर्गा भवन में भी, वहाँ पे भी फ्री धर्मशाला है, वहाँ पे भी यही है पहले आओ पहले पाओ, तो जितनी जल्दी आप वहाँ पहुँचेंगे उतनी जल्दी आपको वहाँ पे जगह मिल जाएगा। और सबसे बेस्ट है रुकने के लिए, वहाँ आप रुक सकते हैं कम्बल लेके भी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कम्बल रिटर्न करेंगे तो पैसा भी कम्बल का रिटर्न हो जाता है। तो आराम से वहाँ पर रुक जाइए, दर्शन कर लीजिए और फिर आप अपना यात्रा कर लीजिए। और मेरे हिसाब से तो यात्रा का प्लानिंग ऐसा रखिए कि अर्ली मॉर्निंग यात्रा शुरू करिए, आफ्टरनून में माता रानी के भव्य दर्शन करिए, क्योंकि आफ्टरनून और रात को 12 बजे के बाद, यानी दोपहर के 12 बजे के बाद और रात के 12 बजे के बाद अगर आप दर्शन के लिए जाते तो सबसे परफेक्ट दर्शन आपको होता है। तो अगर आप सेम डे का प्लान करते हैं तो आफ्टरनून में दर्शन करिए, फिर भैरव बाबा के दर्शन करिए और रात तक नीचे कटरा आके स्टे कर लीजिए, सबसे बेटर ऑप्शन है। और अगर आप भवन पर रुकना चाहते हैं तो फिर मैंने आपको ऑप्शन बता ही दिया, और रात में भी आप दर्शन करने का कोशिश कर सकते हैं। देखिए जरूरत के सभी सामान कैरी करिएगा, फ्यूचर में जो कुछ नई अपडेट आएगी हम आपको वीडियो बनाकर इन्फॉर्म करते रहेंगे। वैसे आप सबके लिए दो बड़ी खबर ये है कि स्काई वॉक बहुत जल्द शुरू होने वाला है, ट्रायल रन उसके सेप्टेम्बर के लास्ट वीक में हो सकता है शुरू हो जाए, और पार्वती भवन में जो है वो पूरे नीचे के जो मंजिलें हैं उनमें लॉकर मिलेगा आपको और ऊपर स्नान करने का व्यवस्था मिलेगा। अभी ये शुरू होगा नवरात्रों तक, तो जैसे ही अपडेट मिलेगी हम आपको वीडियो बनाकर अपडेट करेंगे। इसके लिए आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखते रहिए, शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अगर आपको लगता है कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिला है और दूसरों को भी हेल्प मिलेगा ताकि उनकी यात्रा सफल हो। बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो में, ऐसे जुड़े रहिए आपके प्यारे से चैनल यूट्यूब एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर के साथ। मैं हूँ आयुष, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद जय माता दी। दुनिया।